हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको इस वीडियो की हेल्प से ही बताने वाला हूँ कि कैसे आप चैट जीपीटी का यूज करके आप अपनी एक्सेल की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को विद इन मिनट सॉल्व करते हैं। और द बेस्ट पार्ट इज कि आपको किसी भी फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, आप कोई माइंड नहीं लगाना है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिंपली अपनी डे टू डे लाइफ में आप जो नॉर्मल लैंग्वेज का यूज करते हैं उसी लैंग्वेज में आपको चैट जीपीटी को अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है और चैट जीपीटी आपकी एक्सेल की प्रॉब्लम्स का आंसर खुद ब खुद देगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो हम आ गए हैं एक्सेल फाइल में और आज मैं आपको कुछ बहुत ज्यादा जो यूज्ड होने वाले एक्सेल के फंक्शन होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करके बताऊंगा। जैसे कि वी लुकअप हो गया, इफ एंड एल्स स्टेटमेंट हो गया, कंकैटिनेट फंक्शन हो गया, तो इन सब की प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आप इस डेटा सेट में देख पा रहे हैं कि यहां पर एक टायर सेलिंग कंपनी का डेटा सेट दिया हुआ है, जैसे कि जस्ट सपोज जेके टायर्स। तो यहां पर बेसिकली मुझे इस पता चल रहा है पहली एंट्री से कि नॉर्थ रीजन में दिल्ली स्टेट के अंदर कल को जो जेके टायर्स की सेलिंग हुई है उसका ट्रांजेक्शन अमाउंट जो है वो 30 लाख का है, ठीक है ना, और उसकी ट्रांजेक्शन आईडी ये दी हुई है। तो ऐसे ही बहुत सारी यहां पर कुछ डिटेल्स दी हुई है पैन इंडिया। तो अब मान लीजिए ये सारी डिटेल्स मेरे पास हैं और मेरे मैनेजर ने मुझसे पूछा कि भाई ये कुछ मिसिंग ट्रांजेक्शन आईडी है जो आप देख पा रहे हैं कॉलम एफ में। अब इसके रिलेटेड जो इसके सामने कॉलम है यहाँ पर, उसमें इसकी जो ट्रांजेक्शन डिटेल्स है वो लिख दो, ठीक है ना, कितने लाख का ट्रांजेक्शन हुआ इस आईडी के अगेंस्ट वो मुझे बता दो। तो अगर चूंकि एक आध होता तो आप आराम से देख सकते थे, बट चूंकि बहुत सारा है तो यहाँ पर हम ऐसे नहीं कर पाएंगे और बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, हम हेल्प लेंगे चैट जीपीटी की। तो देखते हैं कैसे। तो अब हम आ गए हैं चैट जीपीटी पे और सबसे पहले हम इससे पूछेंगे कि क्या आपको एक्सेल समझ में आता है या नहीं, ठीक है ना। तो जैसे कि डू यू अंडरस्टैंड एक्सेल, तो देखिए इसने बोला यस आई कैन, तो इसको हम स्टॉप कर देते हैं और अब इसको हम अपनी प्रॉब्लम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर जो है वो अच्छे से प्रॉब्लम तो लिख दिया है कि कॉलम ए में हमारे पास ट्रांजेक्शन आईडी है, कॉलम बी में रीजन है, कॉलम सी में स्टेट है, कॉलम डी में ट्रांजेक्शन डिटेल है, कॉलम एफ में कुछ मिसिंग ट्रांजेक्शन आईडी है। तो यहाँ पर कोई आपको इंग्लिश जरूरत यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जिस भी लैंग्वेज में चाहे वो लिख सकते हैं आराम से। देख सकते हैं आप कैसे मैंने नॉर्मल जो इंग्लिश हम यूज करते हैं उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं नाउ राइट ए फॉर्मूला, अब जब मैंने उसको प्रॉब्लम समझा दिया तो मैंने उसको बोला कि नाउ राइट ए फॉर्मूला टू गेट द ट्रांजेक्शन डिटेल्स ऑफ दीज मिसिंग ट्रांजेक्शन डिटेल्स, ठीक है ना। और इसको मुझे क्या करना है, सिर्फ मैं एंटर करूंगा तो देखिए अब चैट जीपीटी ने लिखना स्टार्ट कर दिया। उसने मुझे फंक्शन भी बता दिया है कि वी लुकअप फंक्शन का आपको यूज करना है और जिस हिसाब से मैंने उसको कॉलम डिटेल दी थी तो उसने उसी हिसाब से यहां पर एक फंक्शन मेरे लिए बना भी दिया है। तो मैं इसको स्टॉप जनरेट करूंगा और सिंपली बस मुझे यहां से ये कोड जो है वो कॉपी करने हैं और मैं आऊंगा अपनी एक्सेल में, ठीक है ना, और मैं यहां पर इन जो है फॉर्मूले को लिख दूंगा। कुछ नहीं करना है मुझे और सिंपल आप देख सकते हैं, देखिए मैंने एंटर मारा और यहाँ पर ये मेरे को उसकी डिटेल उसने बता दी, ठीक है ना। तो इस तरह और आप मुझे जैसे सब लिख लेना तो वो तो आपको आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं और आपको 1 सेकंड के अंदर जो आपकी सारी डिटेल्स थी वो यहाँ पर मिल गई है, ठीक है ना। तो इस तरह से देखा आपने कितनी आसान तरीके से सिर्फ आपको चैट जीपीटी को प्रॉब्लम अपनी समझानी है, तो वो भी कोई इंग्लिश लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल जिस भाषा में बोलते हैं उस भाषा में भी चैट जीपीटी को समझा सकते हैं। तो चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं चैट जीपीटी की हेल्प से। तो देखिए अब हम आ गए हैं दूसरी शीट पे और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नेम्स लिखे हुए हैं, सनी गुप्ता, सुधाकर सिंह, राम तिवारी, ये सब। तो इसमें जो कॉमन चीज है वो ये है कि हर एक जो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के बीच में यहाँ पर एक स्पेस है। और अगर कोई हमसे ये बोलता है कि भाई जो फर्स्ट नेम है उसको एक अलग कॉलम में डाल दो, जो सेकंड नेम है उसको एक अलग कॉलम में डाल दो, तो हमारी ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो अब हम चैट जीपीटी की हेल्प से देखते हैं ये कैसे करते हैं। तो एक बार फिर से हम चैट जीपीटी पे आ गए और हमें एक बार फिर से अपनी प्रॉब्लम को इसको समझाना होगा। तो देखिए इस बार मैंने फिर से इसको बताया है कि कॉलम ए हैज फुल नेम ऑफ द एम्प्लॉयज इन विच, यहाँ पर मैंने इंग्लिश का यूज किया, आप वैसे फिर से हिंदी में भी बता सकते हैं, ठीक है ना। कॉलम ए हैज फुल नेम ऑफ द एम्प्लॉयज इन विच देर इज ए स्पेस बिटवीन फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम, ठीक है ना। मैंने उसको समझा दिया प्रॉब्लम ये है और वो कॉलम ए में डिटेल्स है। अब मैंने उसको बोला कि नाउ राइट ए फॉर्मूला टू गेट द फर्स्ट नेम इन कॉलम बी एंड लास्ट नेम इन कॉलम सी, और कुछ नहीं करना मुझे, मैं सिर्फ इसको एंटर मारूंगा और देखते हैं कि ये क्या। देखिए इसने पूरा समझना स्टार्ट कर दिया और ये मुझे बता रहा है कि इसके लिए आपको लेफ्ट एंड राइट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा और उसने यहाँ पर देखिए मुझे फॉर्मूला लिख के भी दे दिया है। तो एक बार इसको स्टॉप जनरेट करते हैं, स्टॉप करते हैं और फॉर्मूले को 1 सेकेंड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ से इस फॉर्मूले को कॉपी किया और मैं आ गया अपनी एक्सेल शीट पे और यहाँ पर जब मैंने इसको पेस्ट कर दिया तो देखिए और एंटर मारा तो देख सकते हैं आप यहाँ पर देखिए इसने फर्स्ट नाम जो था इसमें से सुधाकर वाला जो पोर्शन था वो निकाल के कॉलम बी में डाल दिया है, ठीक है ना। और वैसे ही अगर मुझे यहाँ पे लास्ट नेम इस कॉलम में चाहिए तो उसके लिए भी देखिए इसने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, यहाँ पर इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा और एंटर मार दूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने सिंह को जो है वो एक अलग कॉलम में पेस्ट कर दिया है, ठीक है ना।
तो चलिए कुछ एडवांस लेवल की चीजें मैं आपको इससे करके दिखाता हूँ अब। तो देखिए, जैसे इस डेटा सेट में आप देख पा रहे हैं, ये एक ऐसी कंपनी का डेटा है जो कि प्रिंटर बेचती है, ठीक है ना। तो प्रिंटर जैसे बेचती हैं, तो इसमें ये जो डेमो स्टेटस है वो ये बता रहा है कि आपने कस्टमर को डेमो दिया है या नहीं दिया है, और ये सर्विस वाला जो कॉलम है वो ये बता रहा है कि क्या कस्टमर ने प्रिंटर हमारा परचेज किया है या नहीं किया है, ठीक है ना। और ये उसकी क्लाइंट आईडी दी हुई है। तो जैसे कि यहाँ पर डेमोस्टेटेड यस है, तो मतलब डेमो दिया है और कस्टमर ने परचेज भी कर लिया है। और इस वाले में जैसे आप देखें कि इन्होंने डेमो नहीं दिया और उसको परचेज भी नहीं किया है। अब जैसे यहाँ पर देखें कॉलम 6 में, तो इन्होंने डेमो नहीं दिया बट कस्टमर ने परचेज कर लिया है पहले से ही, तो इस केस में हमें उनको डेमो देना पड़ेगा, ठीक है ना। जहां पे इन्होंने डेमो भी दे दिया और कस्टमर ने परचेज भी कर लिया है, इसका मतलब वो क्लोज्ड हो गया। तो अगर जैसे अब कोई मेरा मैनेजर मुझसे बोलता है कि भाई यहाँ पर मुझे मार्कआउट करके दे दो कि टोटल कितनी डील्स इसमें क्लोज्ड हो गई है और किसमें अभी जो है वो सर्विस रिक्वायर्ड है, बेसिकली क्लोज्ड का मतलब ये है कि उसको डेमो भी मिल गया और सर्विस भी उसने ले ली है, और सर्विस रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि जहां पर उसने जो है वो कस्टमर सर्विसेज हमारी परचेज तो कर ली, हमारा प्रिंटर ले तो लिया बट उसको डेमो नहीं मिला है, तो उस केस में हमें उसको सर्विस देनी है अभी, ठीक है ना। तो इसको चैट जीपीटी की हेल्प से मैं कैसे करूंगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने सब कुछ जो है वो चैट जीपीटी को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे कि कॉलम ए हैज क्लाइंट आईडी ऑफ कस्टमर, कॉलम बी हैज स्टेटस ऑफ डेमो गिवन टू दीज कस्टमर इन द फॉर्म ऑफ यस एंड नो, ठीक है ना। मैंने उसको बता दिया कि भाई यस एंड नो के फॉर्म में उसका स्टेटस उसमें कॉलम डी में लिखा हुआ है। वैसे ही कॉलम सी है सर्विस स्टेटस ऑफ द कस्टमर इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टेड एट और नॉट ऑप्टेड, ठीक है ना, वो भी उसको मैंने बता दिया। अब मैं उससे बोलता हूँ कि नाउ राइट ए फॉर्मूला टू गेट अ रिमार्क, मैं उससे बोल रहा हूँ कि भाई मुझे रिमार्क दे दो कि क्या कि क्लोज का रिमार्क दो जब व्हेन द डेमो सर्विस स्टेटस इज यस, जब उसका डेमो जो है वो हो चुका है एंड द सर्विस स्टेटस इज ऑप्टेड कि उसका डेमो भी हो गया और सर्विस भी उसने ले ली है, तो उसको जो उस केस में मुझे जो है वो वहां पर क्लोज रिमार्क करके दे दो, एंड मुझे सर्विस का रिमार्क दे दो जब उसका डेमो स्टेटस जो है वो नो है बट उसने सर्विस परचेज कर ली है, ठीक है ना। तो मैंने उसको ये चैट जीपीटी को पूरी प्रॉब्लम समझा दी है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली बस मैं यहाँ पर इंटर करूंगा और अब देखते हैं कि क्या चैट जीपीटी इस बात को समझ पाता है या नहीं। तो देखिए उसने समझ लिया है और उसने फॉर्मूला लिखना स्टार्ट भी कर दिया है, ठीक है। तो चलिए इसने फॉर्मूला लिख दिया है, एक बार इसको यहाँ से कॉपी करते हैं फॉर्मूले को और इसको अपनी एक्सेल शीट में यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसने यहाँ पर एंटर मारा मैंने और इसने मुझे बताना स्टार्ट कर दिया है। तो ये देखिए आप, तो बेसिकली देखिए इसने मुझे बता दिया कि कितनी डील इसमें क्लोज हो गई है और किसको भी मुझे कितनों को भी मुझे सर्विसेज देनी है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि क्लोज तब होगा कि जब उसको डेमो भी मिल गया और उसने सर्विस खरीदी भी ली है, मतलब ये डील हमारे लिए क्लोज हो गई है। और सर्विस मुझे तब बताना है, सर्विस का रिमार्क मुझे तब चाहिए था कि जब उसने खरीद तो लिया हो बट उसको डेमो अभी नहीं मिला हो। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसने सर्विस तो खरीद दी बट उसको डेमो नहीं मिला, तो इसका मतलब यहाँ पर सर्विस का रिमार्क आ गया कि हमें इनको डेमो देना है, इनको सर्विस अभी देनी बाकी है हमारे एंड से। तो देखा आपने कितनी आसानी से बिना किसी फॉर्मूले की, आपको कोई समझ ना भी है तो भी आप चैट जीपीटी की हेल्प से अपनी बड़ी बड़ी एक्सेल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।